हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान सोजत साइबर सेल पाली व पुलिस थाना सोजत सिटी की संयुक्त बड़ी कार्यवाही रोडवेज बसों में से महिलाओं के बैग सूटकेस अटैची से सोने चांदी के जेवरात वो नकदी चुराने वाले अंतर्राज्य गैंग का पर्दाफाश किया। अंतर्राज्य गैंग के 6 शातिर मुलजिम गिरफ्तार। पाली रोडवेज बसों में यात्रियों के कीमती सामान लूट मार चोरी की वारदात करने वाले अंतर्राज्य चोर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पाली जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत IPS ने मीडिया को बताया कि दिनांक 27 जनवरी 2022 को कस्बा चंडावाल से सोजत सिटी आने वाली रोडवेज बस में से अकेली महिला यात्री के बैग में करीब 45 तोले सोने के जेवरात चोरी कर ले जाने की वारदात होने पर उक्त वारदात को सरसंच करने व चोरी किए गए माल की बरामदगी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा एवं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के सुपरविजन में थाना अधिकारी जसवंत सिंह पुलिस थाना सोजत सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर उक्त चोरी की वारदात को सरसब्ज करने के निर्देश दिए गए, जिस पर गठित टीम द्वारा कुल 6 मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमान से वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान कर प्रकरण हासा में चोरी हुए माल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे और भी कई वारदात खुलने की संभावना है। तरीका वारदात उक्त मुलजिमानों द्वारा मेरठ UP दिल्ली से चलकर अपना अस्थायी निवासी अजमेर में करते हैं तथा यहाँ से प्रतिदिन अलग अलग जगह जाने वाली सरकारी रोडवेज बसों में 6 से 7 के एक समूह में अलग अलग सीट पर बैठकर अकेली महिलाओं को चिन्हित कर उसका ध्यान भंग कर वो अन्य सवारियों की नजरों से बचकर सवारियों के बैग सूटकेस अटैची में सोने चांदी के जेवरात वो नकदी चोरी करना और चोरी करने में सफल होने के बाद तुरंत कोई बहाना बनाकर बस से नीचे उतर जाते हैं और अगर कभी पकड़े भी जाते हैं तो अपने ही साथियों द्वारा लोगों को गुमराह कर अपने साथी की मदद करते हैं और भीड़ से छुड़वा देते हैं। इन गिरफ्तार गैंग ने UP दिल्ली महाराष्ट्र राजस्थान व उत्तराखंड में बसों में चोरी करना स्वीकार किया गया। जागरूक TV के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।